बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी से मैं बड़ी नाराज हूँ जी। मैं बिल्कुल बहुत नाराज हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इंडिया विजिट करूंगी लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। मैं इंडिया को यही मशवरा दूंगी कि काइंडली आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। अच्छा, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान के निस्बत। आई थिंक ये हेट प्रोपेगेंडा एक तरह से। ये क्या बात हुई है आप लोगों ने, ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। सही बात है। मैं इंडिया को यही मशवरा दूंगी कि काइंडली आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और आप अपने लोगों को जॉब्स दे लें। वो जो भूखे नंगे अध नंगे लोग बच्चे पड़े होते हैं ना आपके सड़कों पे, पहले उनको संभालिए, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त कीजिए, फिर पाकिस्तान पे आइएगा। जली ना तेरी भी जली ना। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है वो मुझे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी थोड़े से रदो बदल के साथ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसला किया। फैसला ये किया कि सरकार ने जो भी भारतीय छात्र पाकिस्तान में जाके पढ़ के आएंगे उनको भारत में नौकरी नहीं मिलेगी उनकी पाकिस्तानी की पढ़ाई की डिग्री से। और ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया और मैं अप्रिशिएशन करता हूँ मोदी सरकार का और भारत सरकार का। लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान की मीडिया को और पाकिस्तान की पब्लिक को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, तीखी मिर्ची का आप लोगों को पूरे वीडियो में मजा और आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? UGC और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये स्टेटमेंट पास की है। सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे, मतलब उनका आप कह सकते हैं स्टूडेंट, छोटे से छोटा स्टूडेंट भी है ना। अब हमारे गांव के, मैं शहरों का तो नहीं कहता, गांव में आप चले जाएं गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके आप हालात जाके देख लें। अब इंडिया में आप चले जाएं उनका छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उनकी एजुकेशन अच्छी है। मोदी जी से मैं बड़ी नाराज हूँ जी। मैं बिल्कुल बहुत नाराज हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इंडिया विजिट करूंगी लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्या बात हुई है आप लोगों ने, ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब कमाल करते हैं जी, ये क्या बात हुई है भला? अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियन जन को अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई? सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। चल झूठा। अच्छा, इंडिया में एक तो मुझे जॉब करने का शौक नहीं, ना ही मेरे जैसे कोई 99% जो पाकिस्तानी है वो ना तो इंडिया जाना चाहते हैं, ना वो इंडिया से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ना वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैं इंडिया को यही मशवरा दूंगी कि काइंडली आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और आप अपने लोगों को जॉब्स दे लें। वो जो भूखे नंगे अध नंगे लोग बच्चे पड़े होते हैं ना आपके सड़कों पे, पहले उनको संभालिए, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त कीजिए, फिर पाकिस्तान पे आइएगा। अबे तू पागल है क्या? म्यूजिक इंडिया ने मना किया है कि वहां के स्टूडेंट्स पाकिस्तान पढ़ने के लिए ना आए, और उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक तो ये कि बहुत ही कम तादाद आती है, इसकी वजह ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन कहा ही जाता है कि जो ज्यादा लोग वहां से अगर आते हैं वो मैक्सिमम 150-200 के करीब होते हैं। उनकी भी बड़ी तादाद जो आती है वो आती है इंडिया में, जो कश्मीर है वहां से, तो कश्मीर से ज्यादा तादाद यहाँ पर आती है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए
तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं, उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ की और किधर किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक फाइक हैं और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उनकी तो क्या ही बात है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आप लोग फिर यकीनन मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि जी मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। एक तो हम आपकी इतनी तारीफें करते रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हम वाह 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 करके हमारे गला सूख गया। लेकिन खैर वो हैं भी अच्छे, मगर फिर भी ये क्या बात हुई है कि आप जो अपने लोगों को भेजेंगे नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान से तो नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना, और हम सस्ते में पढ़ा देंगे। अगले जो है ना वो आप जहाँ पे आप अपने लोगों को भेजते हैं ना, तो चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, चाहे यूरोप भेजें, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहां पे भी बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जाता है, जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक दो मैं आपको ना एग्जाम्पल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं, कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, 1,55,119,121 देखा आपने। ये जी हम जो है ये फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन देते हैं। आई थिंक ये हेट प्रोपेगेंडा एक तरह से कि लोगों के पे तो नहीं अपनी नफरत का झाड़ना चाहिए। असल नफरत तो सियासतदानों के दरमियान है, पॉलिटिशियंस के दरमियान है, लोगों के दरमियान तो नहीं है। यहाँ पे काम करने वाले जो यूथ है, मेहनती यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है हमारी, सेम एज इंडिया, तो उन पर अपनी इस नफरत का आपको जिम्मा नहीं डालना चाहिए। दे डू नॉट डिजर्व दिस। जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन की वर्थ है, उस हिसाब से पाकिस्तान की एजुकेशन की वर्थ नहीं नजर आती ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहें, एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पीछे है। जब अंग्रेजी का दौर आया ना, सर सैयद अहमद खान ने ये मशवरा दिया कि भाई अंग्रेजी की तरफ आओ। हमारी जो अवाम है वो पर्शियन और अरबी की तरफ माइल थी कि हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं, फरंगियों की जुबान पढ़नी नहीं है। जब आपने पूरे 100 साल फरंगियों की जुबान नहीं पढ़ी, आपकी अकल पे वो चीज़ आई ही नहीं है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना। सेकेंडली, पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, फॉर गॉड सेक, वही 20 साल के बाद वाले बच्चों ने भी पढ़ा है। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है, वो मुझसे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी, थोड़े से रद्दो बदल के साथ। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ, पाकिस्तानी अगर बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो निजाम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वो आतंकवाद पे फैला हुआ। उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल आसमानी किताब के अनुसार चलती है, उसमें हिंदुओं के बारे में, सिखों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में, मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके बारे में बहुत बहुत घटिया बातें लिखी हुई है। नफरत के सिवा पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान की धार्मिक पुस्तकों में कुछ नहीं मिलता है। और भारत सरकार ने जो फैसला किया, बहुत शानदार फैसला किया, मैं इस फैसले के साथ में हूं। और आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो ये फैसला किया बहुत पहले कर लेना चाहिए क्या? अभी भी बहुत सारे फैसले ऐसे हैं कि जिस पे भारत सरकार को काम करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।